नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं नलवा गांव में हूं और एक बार मैं दिखा दूं सीन। यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हरियाणा के मंत्री देवेंद्र बबली यहां पर आए हुए हैं। तमाम गांववासी हैं। दादी गौरी का मंदिर यहां पर एक बनाया गया है। उस मंदिर में देवेंद्र बबली ने अभी अभी पूजन किया है और कुश्ती दंगल का भी एक आयोजन यहाँ पर किया गया है। तमाम पहलवान काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए, छोटों से लेकर बड़ों तक। यहाँ पर इनामी कुश्ती दंगल का आयोजन यहाँ पर किया गया। ये मैदान दिखा दें, कुश्ती का मैदान है और वो पहलवान भी उधर बैठे हैं और कुछ तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुश्ती की। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम पहली बार इस गांव में आयोजन किया गया। सुशील कौशिक नलवा हैं, वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। उनके द्वारा, उनकी टीम द्वारा, उनका जो एक संगठन है, उसने इस कार्यक्रम का आयोजन करने की पहल की है। पहले यहाँ गाँव में ग्राउंड की बहुत तकलीफ थी। ये हमने सब ग्रामवासियों ने मिलके, युवाओं ने, खेलने वालों ने मिलके इस ग्राउंड को तैयार किया। जगह कब्जा ही हुई थी, यहाँ जगह नहीं थी बिल्कुल भी। इसको भर्त कर करके खेलने लायक बनाया गया और दादी गौरी का मंदिर बना दिया गया, मूर्ति स्थापना कर दी गई अच्छे, ताकि यहाँ पर आगे से मेला भी लगे। ये इसलिए वजह से ऐसी सुविधा की गई है। देवेंद्र बबली है पंचायत मंत्री, वो भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। हाँ जी, देवेंद्र बबली जी आ रहे हैं और गांव के लिए बोलते हैं, विकास के लिए झड़ी लगा के जाएंगे। इनामी कुश्ती का भी आयोजन है, तो इसमें कितने इनाम की कुश्तियाँ? 31,000 रुपये ओपन, 21,000 रुपये ओपन और 11,000 रुपये ओपन। ये लड़कों की है और लड़कियों में वेट है 48, 55, 60। आपकी एक संस्था भी है जो इसका आयोजन करा रही है, नलवा चैरिटेबल ट्रस्ट। ये जो सुशील जी ने जो गेम कराया है, बच्चों के अंदर अच्छा प्रोत्साहन है और बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, समाज जो गरीब समाज के बच्चे हैं, वो ऐसे आयोजनों से कुछ न कुछ सीखते हैं और वो आगे बढ़ने का उनको प्रेरणा मिलती है। मैं राजकुमार भारद्वाज, जिला बनमन सभा इसार अध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो आप सभी न्यूज़ चैनलों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो इस प्रोग्राम को अटेंड किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। दूसरा, खेल के प्रति मेरा भी लगाव रहा है। मैं खेल से बच्चों के शरीर का, दिमाग का और समाज के उन्नति के लिए सहयोग में, बच्चों के शारीरिक तौर पर हर तरह से समाज के लिए, किसी भी समाज में हो, उसका उत्थान के लिए अहम भूमिका होती है खेलों में। जो बच्चा खेलों में होता है, उसके बुद्धि भी, उसका दिमाग भी, उसका शरीर भी उन्नति की तरफ से हर समाज में काम देता है उसका। मैं तो सुशील जी का बड़ा धन्यवादी हूँ कि इस तरह के आयोजन जो हो रहे हैं। मेरा तो विशेष तौर पर इस समाज में लगा लो, मैं बचपन से खेला हूँ खूब, तो मेरा लगाव रहा है। तो मैं तो अति प्रभुन्नत हूँ कि इन्होंने मेरे को बुलाया और मैं इसके लिए इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के आयोजन हर बार करते रहे। आज यहाँ भंडारा लगता है सालाना, उसमें हम पहुँचे हैं। गाँव वासियों की तरफ से हमें इन्विटेशन था, आशीर्वाद लेने माँ दादी गौरी के मंदिर में पहुँचे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ भी जिन लोगों की आस्था, जिस आस्था से आए हैं, परमात्मा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। सर, जो वर्तमान सरकार में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोग मंत्रालय में या ऑफिसों में चक्कर काटते रहते, क्या कहना चाहेंगे इस बीजेपी सरकार? देखिए, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, मैं खुद उस सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री काम कर रहा हूँ। जहाँ कुछ ऐसे अधिकारी आप बताएं, सरकार एक्शन लेगी। काम आपका अधिकार है, आम जनता का अधिकार है, सरकार काम करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी तरफ से हम पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि गुणवत्ता के साथ जो मूलभूत सुविधाएं प्रदेश के लोगों को, या आज बतौर पंचायत मंत्री हमारे जो ग्रामीण अंचल में बसे हुए परिवार हैं, उनकी ड्यूटी हमारे पास, आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, हमने काफ़ी कुछ जो गलत लोग थे, जो अपने सीटों पर बैठकर कुर्सियां तोड़ने का काम करते थे या किसी गलत तरीके से, उन पर कानूनी सख्त कार्रवाई की गई सरकार के द्वारा। अगर ऐसी कोई शिकायतें आपके सामने आती, बताने का कार्रवाई होगी। आपने दो दिन पहले कहा कि भाई आप अकेले ऐसे मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ऐसा क्यों लगा? देखिए, मैं, आपने देखा होगा कि मेरे से पहले जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे, हालात हमारे शहर के क्या कर दिए गए थे,
अमेठी हो, तहसील हो, थाने हो या और कोई अदर ऑफिस हो, सब में एक 250-300 आदमियों के सिंडिकेट बनाकर हर जगह से एक रिकवरी एजेंसी के रूप में काम किया गया था। लोग मेरे पीड़ित थे, उसको मैंने बंद करने का काम किया। कहीं कहीं दोबारा शिकायतें आई तो मैंने लोगों को कहा आप खड़े हो जाओ, जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे, आम जनता जब जागरूक नहीं होगी तो इन चीज़ों पर अकेला बबली लगाम नहीं लगा सकता। आम पूरी सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा में खोट नहीं है, लेकिन कुछ गलत सोच के, गलत विचार के या गलत भावना से काम करने वाले लोग जो इस देश का संविधान है, जो संविधानिक राइट है, उनका भी बार बार वो अपने आप से जैसे अहंकार होता है रावण में, ऐसे अहंकारी कुछ लोग हैं वो इस देश के संविधान को नहीं समझ रहे हैं। जनता अहंकारी का नाम ही बता दो सर। नाम तो पता ही आप लोगों को पता है, जनता को भी पता है, और उसका इलाज भी बढ़िया से जनता ने कर दिया था। और आने वाले समय में मैं एक जनसेवक के रूप में लोगों के बीच में गया था, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, एक जनसेवक और लोगों ने आज एक राजनीतिक ड्यूटी दी है, और मैं अपनी ड्यूटी को ईमानदार से करना चाहता हूँ। ये लोगों को चुभ रहा है, ऐसे लोगों को चुभ रहा है जिनकी दुकानें, जो वो मॉल बनाना चाहते हैं, दुकानें तो बंद कर दी, अब उस गलतफहमी में देंगी बड़े मॉल बनाकर, पहले जो हम जेब कतरी का काम शुरू किया था, आने वाले समय में डकैतियाँ करेंगे। मैंने पहले भी कहा मीडिया के माध्यम से, रात आपके चैनल मीडियो के माध्यम फिर कहना चाहता हूँ कि बबली के जी तेजी, ये टोहाना में पॉसिबल नहीं, और जो मेरा डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, वहाँ कोई भी गलतफहमी का शिकार ना रहे। इस करप्शन के खिलाफ सरकार भी चाहती है और देवेंद्र से बबली पूरी पुरजोर से लड़ाई लड़ रहा है, और उसमें आम जनता जब साथ खड़ी हो जाएगी तो आपको इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए और बड़े रिजल्ट आएंगे। एक सप्ताह पहले सर दिग्विजय का भी बयान आया कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, कितने सहमत हैं? देखिए कहीं ना कहीं अगर हम लोग कहीं कमज़ोर हैं, ब्यूरोक्रेसी वहाँ हावी हो जाती है जहाँ आप लोग कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी हो, जब आप सही हैं और जनता आपके साथ है तो कोई हिम्मत नहीं ब्यूरोक्रेसी की, वो हैवी हो जाए। एक बात और भी कही, जो ओम प्रकाश चौटाला से बेहतर शासक कोई रहा नहीं है। देखिए ठीक है, वो अपने विचार हो सकते हैं उनके, और शासक तो उनसे पहले भी रहे हैं और भी बेहतर रहे हैं। अब किस ढंग से कार्यशैली किसकी क्या है वो मायने रखता है। जनता के बीच में सर एक बात और जा रही है कि भी क्या ये 2024 तक गठबंधन टिक पाएगा या कोई अलग हो सकता है? बिल्कुल, ये 2024 तक गठबंधन मजबूती के साथ सरकार चलाएगा और प्रदेश का विकास कराएगा। आदमपुर चुनाव को लेकर सर क्या सोचते हैं? जनता फैसला लेगी। पार्टी क्या सर, जेजेपी क्या सोचती है? जेजेपी अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं? सरकार चला रहे हैं तो दोनों पार्टियों के संगठन फैसला लेंगे, वही होगा। पंचायत चुनाव के बारे में एक और सर, अगले महीने हो सकते हैं तो उसमें बहुत जल्दी अगले महीने में तैयारियां हैं, जल्दी कराएंगे।